गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सर? होप यू ऑल आर डूइंग गुड। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो सुबह का टाइम हो रहा है और अब हमने पैदल जाने का सोचा कि आज फिर हम कॉन्टिनेंटल से यूनिवर्सिटी तक पैदल जाएंगे। हमारे साथ है वर्तिका जी और ये इनका तो आपको पता ही होगा बहुत अच्छे से, स्माइल जी, और कुछ दीदी और आगे जा रहे हैं हमसे। वो उन्होंने ही बोला कि आज पैदल जाएंगे, तो अब पैदल पैदल जा रहे हैं हम यूनिवर्सिटी। आगे कुछ बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं दिख रहा, इतनी ज़्यादा धुंध हो रही है आज गाइस, बहुत ज़्यादा धुंध हो रही है। और ये कैप वैप आज लेके नहीं आई कुछ, इसलिए पछता रही है। एक के पास कैप है फिर भी सिर पे नहीं ले रही है। ओ सेंटा क्लॉज, ओहो बेटा मैं सेंटा क्लॉज, बताइए आपको क्रिसमस पे क्या गिफ्ट चाहिए, कमेंट कर दो, जो कि मैं नहीं ला के दूंगा। क्रिसमस पे मुझे एक नया आईफोन गिफ्ट कर दीजिए आप प्लीज। हो ओके, वो तुम्हें नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? सेंटा की मर्जी। मर्जी नहीं चलेगी यहाँ सेंटा की। सेंटा की मर्जी, दूं ना दूं, मैं लेगा भाई 1,00,000 रुपये मेरा खर्च हो जाएगा इसके एक आईफोन पर। इतने मैं अपनी नवी गड्डी ना खरीद लूँ, मैं उस घोड़े पाऊंगा। सही बात है रे, और मैं उस घोड़े पाऊँ। हर साल मैंने अभी तक ठंड लगाया यार, तो इस बार मैं नई कार खरीदने वाला हूँ। कार में होगा? मैं कार में आऊँगा गाइस। ओके गाइस, धुंध देख रहे हो कितनी ज़्यादा, ये देखो बहुत धुंध है। सिर्फ हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं और किसी को नहीं देख पा रहे। पूरी गैंग की गैंग जा रही है, देखो आगे आगे तक। गाइस होटल झिलमिल पे पहुंच चुके हैं, कुछ ही देर में यूनिवर्सिटी पहुंच जाएंगे। सेंटा क्लॉज, ओए सेंटा क्लॉज, हम यूनिवर्सिटी पहुंचेंगे। ज्यादा ठंड हो गई अब की, अगर अब की बार आपके घर के बाहर रात को गलती की पीपी वो सुने ना तो समझ जाना मैं आ रहा हूँ। अब की बार मैं अपने घोड़ों पे नहीं आऊंगा, उनका भी तो बेचारों को ठंड लगती है और मुझे भी हवा लगती है, तो अब की बार मैं आऊंगा गाड़ी में। ओके, आधा रास्ता हम कवर कर चुके हैं ठंड में, नाक वाक लाल हो चुकी है, नहीं लग रही जो ठंड लग रही थी वो भी उतर गई है पैदल चल चल के। गाइस हमें ये नहीं पता हम कहाँ पहुँच गए हैं क्योंकि हम कुछ भी देख नहीं पा रहे, बस हम चले जा रहे हैं। 13 मिनट हुए हैं हमें चलो, और ये नहीं पता हमें हम कहाँ पहुँचे। अब जब यूनिवर्सिटी दिखेगी तभी पता चलेगा कि यूनिवर्सिटी आ गई, दिखेगी भी या नहीं वो भी है सेंटा क्लॉज। बिल्कुल दिखेगी, वरना वो हाइड करके है। देख रहे हो मेरी भी नाक लाल हो गया आज तो ठंड के मारे, इसकी भी देखो। इनके पैरों में पता नहीं क्या सफरिंग लग रहा है, रुकी नहीं रही, भाग जा रही है। कार्टून जाने दो, मुस्कुराहट को कह दो ना, मुस्कुराहट को बाय थोड़ी बोली है, मुस्कुराहट को हाय 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 हाय। अरे उसमें तो बाय बाय बाय। हाँ वो उस दीदी का नाम मुस्कान है, उसको हम बाय कहेंगे। हम यूनिवर्सिटी पहुँच गए 25 मिनट में, कॉन्टिनेंटल से यूनिवर्सिटी तक का सफर पैदल यात्रा समाप्त हुई। वहाँ पे इतनी ज़्यादा धुंध थी यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी में धूप आ रही है अच्छे वाली, नहीं अच्छे वाली नहीं लेकिन धूप आ रही है। स्माइल सेंटा क्लॉज जी, तो आप इस बात पे क्या कहना चाहोगे, उधर धुंध थी यहाँ आके इतनी अच्छी धूप, पानी शायद मैं ही सरिये में धुंध कराना भूल गया था। यहाँ पे अच्छी धूप आ रही है अब। Yes. हम जल्दी पहुंच चुके हैं, अब हम अपने क्लासेस में जाएंगे, ये शिकायती है फिर जाएंगे। ओके चुके हैं, क्या हो रहा? कुछ नहीं, सिर दो के ही ना ठंड लगी, सिर दो का ये प्रभु इतनी ठंड वहां। तो यूनिवर्सिटी में आके ना सेंटा क्लॉज ने अपनी कैप उतार दिया है, देख रहे हो शाय फील करते हैं यहाँ पे आके कि नहीं गाइस शाय नहीं है, धूप आ गई है, हमें क्लास में जाना है। तो मैंने तो ले रखी है, तो तुम्हें ठंड लग रही है? तो तुम्हें क्या ठंड नहीं लग रही? नाक तो लाल हो रही है। यहाँ पे राखी सावंत भी है, राखी सावंत हाय बोल दीजिए। हेलो, आवाज नहीं आई। हेलो, जोर से बोलो। जय माता की। अब ठीक है, यशिका की कॉल आई, वो कॉन्टिनेंटल पे और वो आती होगी यूनिवर्सिटी में। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। और यशिका तो काट दीवा ना, इसका तो पत्ता कट गया। ईपीओ चैनल ना
हैंडल कर लिया अपन ने सारा दिन। मेरे को इतना नॉलेज नहीं है ना गाइस, अभी नया यूट्यूबर बनाऊ ना, नॉलेज है नहीं, और ये यूट्यूब का चैनल संभालेगा हमारा अब से। पागल है, मैं ही था रहा मेन कंटेंट तो बताओ गाइस इनको जो भी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग तो ढंग सर कर ले, जब ठंड लग रही है ठंड लग रही है इसलिए अच्छे से गुड मॉर्निंग नहीं कर पाई वो बेचारी। अच्छा पहुंच चुकी है हमारे पास सीआरजी, पहुंच चुके हैं। क्या हाल है जी, कैमरे लग गए रो रहे तो। हाँ गाइस, इसको उसको कैमरे दिखा दो। कहाँ पे है गाइस कैमरे? गाइस नहीं हूँ मैं कल्ला बंदा हूँ बेवकूफ बोल रहा हूँ। अच्छा ये यहाँ पे कैमरे लग गए, किसने लगवाए? ये लाले ने लगवाया है क्योंकि क्यों? निखिल बदमाश यहाँ पे बदमाशी करता है। चलो मनसा जी, कैसी है तबीयत आपकी? ओके ओके गाइस, बाय बाय, वी आर गोइंग टू, मिलते हैं क्लास में। हम अपनी पोस्टिंग पे जा रहे हैं, मैं ये डेमो रूम में जाएगी ऊपर है ना, और यशिका जी अभी कॉन्टिनेंटल पे या वो अभी यूनिवर्सिटी में नहीं पहुंचे। माटो माटो आएगी वो? नहीं नहीं, बस में आएगी वो, बस में माटो माटो आएगी। उसको टाइम लगेगा अभी थोड़ा, तो इसलिए हम अंदर आगे पोस्टिंग पे जाते हैं, अगर चेकिंग होगी तो परेशान नहीं हो जाएगी। बेवकूफ एप्रन वेप्रन पहन चुके हैं, हम जाएंगे पोस्टिंग पे, बाल वाल ठीक कर चुके हैं, अब हम पेशेंट को देखेंगे। वैसे मेरी पोस्टिंग है रिसेप्शन पे, तो मैं पेशेंट को नहीं देखूंगी, तू देखेगी पेशेंट को। गुड मॉर्निंग। मफरल वफरल लेके, क्यूटी बन के, हेयर स्टाइल चेंज करके। आज आप लेट क्यों आए? क्योंकि आज मैं घर से लेट चली, इसलिए लेट हो गई, और अभी हम पोस्टिंग पे। मैं सीधा यहीं आई हूँ तेरे पास, इसके पास आई, मैं क्लास में नहीं गई, मैं पहले इसी के पास आई हूँ इससे मिलने। पोस्टिंग से आ चुके हैं, डेमो में जाएंगे, अब डेमो में जाके बैठेंगे, और बाहर आके देखा ना, नाम नाम की धूप है यहाँ पे, ठंड बहुत ज़्यादा है आज। धूप लेने बाहर आए थे पर धूप आई नहीं, धूप की जगह ठंडी ठंडी हवा मिल रही है, ठंडी ठंडी विटामिन डी लेंगे थोड़ी देर, बहुत ठंड लग रही है अंदर, बहुत ठंड थी, बाहर बहुत ठंड है, हर जगह ठंड है, कहाँ जाए, जाए तो जाए कहाँ, इधर ठंड उधर ठंड, हर जगह ठंड ठंड ठंड। कैसे भागी? भाग भागने के लिए हो रहा है, भाग के क्यों आए? गुड मॉर्निंग, ऐसे ही तुम दिख गए ना इसलिए। गुड मॉर्निंग, गर्मी चढ़ जाएगी, पंच हो गया। अब तुम्हारी पोस्टिंग है, पोस्टिंग पे जाओ। वो मैसेज नहीं आया गाइस, गाइस मैं एक कमेंट पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। तो किसी ने ना कमेंट किया है, कब आएगी व्लॉग में मस्ती, तुमको देखने के लिए तो देखता हूँ मैं बस व्लॉग, और मस्ती होती नहीं व्लॉग में, ऐसे बोर हो जा रहा है। तो इसका बताओ, व्लॉग में बोरियत हो रही है, क्या करना चाहिए? तो जिसने वो कमेंट किया ना, उससे पूछ की मस्ती कैसे करें हम, तू ही बता भाई। आप गाइस बता दीजिए, हेमंत सर आप बता दो, हम वही कर लेंगे। हम यूनिवर्सिटी से मैं घर पे आ चुकी थी, और क्लिप्स वहाँ की लास्ट में ले नहीं सकी, एंडिंग नहीं हुई क्योंकि मेरा फ़ोन बंद हो गया था इसलिए, तो अभी मैं घर पे हूँ। ये मेरी दीदी पढ़ रहे हैं बैठ के, ये हमेशा पढ़ती हुई मिलेगी आपको, इसके चैनल पे भी ये पढ़ती हुई मिलेगी, मेरे पे भी, क्योंकि इसके पास और कोई काम नहीं है। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, टिल देन डू लाइक शेयर एंड कमेंट।